तेजस्वी यादव ने आज पटना में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में तेजस्वी के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रदेश की नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले चुका है, ऐसे में चुनाव की बात समझ से परे है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर इन लोगों को चुनाव इतनी जल्दबाजी में करवाने की जरूरत क्यों है, क्यों सरकार लाशों के ढेर पर चुनाव करवाना चाहती है। आगे उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए देखें। महंगाई से मर रहे हैं लोग, बेरोजगारी से मर रहे हैं। बिहार में कोई कारखाने नहीं बने, कोई इंडस्ट्री नहीं आया, कोई निवेश नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर पद से पत्थर है, गोलियों से पुलिस वालों का एनकाउंटर हो रहा है। लोगों को बेड नहीं मिल रहा, सही इलाज नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहा। और आप जो है वर्चुअल रैली करेंगे, डिजिटल रैली करेंगे, कर रहे तो बताओ, आप कीजिएगा तो बताइए, इतनी अधिक पदे क्यों है? नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे फिसड्डी बिहार क्यों है? हर एक मानकों में बिहार सबसे निचले स्थान पे क्यों है? आयुष्मान भारत का तो आयुष्मान भारत में एक पैसा बिहार को नहीं मिल रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस खराब है। 76% लोगों का कार्ड नहीं बना, क्या लाभ उठा पाएंगे इस योजना का, बताएं बीजेपी वाले लोगों का। ये तो डबल इंजन की सरकार है, विकास की गंगा बहनी चाहिए। गरीब मजदूरों को गाली दे रहे हैं, गरीब भूखे मर रहा, मजदूर भूखे मर रहा है, काम नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हमको नहीं लगता, अगर केवल पटना जिला का ले लिया जाए तो पटना जिला में 2% लोगों को भी काम नहीं मिला होगा, जितने लोग बाहर से आए होंगे। ये चैलेंज है मेरा, उनके भी बाल बच्चे हैं, गरीबों के भी बाल बच्चे हैं, कहाँ इलाज कराएंगे? प्राइवेट में तो इलाज नहीं करा पाएंगे अपना, उनके लिए तो सरकारी अस्पताल जो है वहां इलाज करा पाते हैं। वहां क्या व्यवस्था, वहां ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना स्वास्थ्य कर्मियों की इतनी कमी है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एम्बुलेंस का अलग खेल चल रहा है बिहार में। पता होगा जहानाबाद, कोरोना में जहानाबाद एक बच्ची को मां गोद में लेकर के दौड़ती रही, एम्बुलेंस तक नहीं मिला। किसको दिया गया ठेका ये बताने की जरूरत नहीं है। कौन पार्टी के सांसद हैं? अब हम लोग सवाल उठा रहे हैं, हम तो विपक्ष का काम है, हम तो भाई चीजें जो है जनता के सामने और मीडिया के सामने मेरा लाना फर्ज है, हमने आप लोगों के सामने लाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये लोग वर्चुअल रैली 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 कर रहे, खेल रहे, आखिर इतनी चंदबाजी इनको क्यों है? वैसे भी बिहार 4 साल में 4 सरकार देखा ऐसे ही है, जो इधर से उधर इधर से उधर, स्थिति जो है स्थित नहीं रही, उलझता रहा ऐसे ही मामला, काम तो हुआ नहीं, सरकारें बदलती रही, और ऊपर से चोर दरवाजे से सरकार में भी आए तो काम ही कर लिया होता, काम भी नहीं कर पा रहे। चुनाव चुनाव अगला चुनाव अगला चुनाव वो चुनाव लोकसभा चुनाव तो इसकी चुनाव उसकी चुनाव, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री तो कई जगहों के प्रभारी बने हुए थे, उन्होंने तो बोल बोल करके हटवाए। आप क्या कर रहे हैं भैया, क्या काम कर रहे हैं आप बताइए, क्या काम कर रहे हैं, क्या नजर आ रहा? तो शर्म से हम लोगों का माथा झुक गया ये रिपोर्ट देकर। रिपोर्ट किसका है, तो कबूल रहे वही लोग जो लोग सत्ता में बैठे हैं, तो तेजस्वी का और राष्ट्रीय जनता दल का ये रिपोर्ट तो है नहीं। तो हम बस इतना चाहते हैं कि बिहार की जनता चीजों को देख रही है, आकलन कर रही है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो 15 साल जिन्होंने बर्बाद को बर्बाद कर दिया, बेहाल कर दिया, मजबूर कर दिया, अब बताओ बेकारी है कि नहीं है? MBBS किया हुआ चपरासी के लिए भरता है, उसमें नहीं हो पाता विधानसभा में, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये खाली पदे क्यों नहीं भरी जाती, मेरा सवाल है, ये रिक्त पदे आखिर क्यों नहीं भरी जाती, और पैसा खर्च क्यों नहीं कर पा रही, आधा भी पैसा खर्च नहीं कर पा रही है के मामले में?
नहीं कर पा रहे हो भैया कैसे? तो हम बिहार की जनता को हम ये कहना चाहते हैं, एक मौका आप लोग इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, एक मौका राष्ट्रीय जनता दल को दीजिए और राष्ट्रीय जनता दल हमारी सपना है और हम चाहते हैं कि एक भी खाली पद जो है खाली आ रहे, सारे पदों को भर दिया। हम लोगों की सरकार आएगी तो स्वास्थ्य केंद्र जो है आबादी के हिसाब से होगा, डॉक्टर जो है उस हिसाब से होगा, स्वास्थ्य कर्मी उस हिसाब से होंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, खाली रिक्त पदे को भरने का काम हम लोग करेंगे और ज्यादा कुछ और नहीं कहना। और आप लोगों का लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।